दोस्तों इसका स्मेल पूरा मेडिसिन जैसा लगता है, जैसा आपने दवाई खाया हो कभी, जैसा उसका फ्लेवर रहता है उसी प्रकार से इसमें स्मेल आता है, क्योंकि दोस्तों यह मेडिकल क्रीम है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुंदन और ये एक वेटनोवेट क्रीम। दोस्तों इसका यूज आपने कभी ना कभी किया ही होगा। तो यह क्रीम फेस में निकलने वाले दाग, खाज, खुजली और पिंपल जैसे निकलता है उसे यह दूर कर देता है दोस्तों लगाने से। लेकिन दोस्तों यह एक मेडिकल क्रीम है। दोस्तों आजकल देखा जा रहा है कि लोग रिकमेंड कर रहे हैं फ्रेंड, तो यह क्रीम को यूज करना शुरू कर दे रहे हैं। और दोस्तों इससे आपका तो प्रॉब्लम ठीक हो जाता है, लेकिन इसके साथ कई साइड इफेक्ट भी होने लगता है दोस्तों, जो कि आपको उस समय पता नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं इस क्रीम के बारे में कि इसका साइड इफेक्ट क्या है और इसे कैसे यूज करें ताकि इसे साइड इफेक्ट बहुत कम से कम हो और आपका प्रॉब्लम जो भी है, पहले दाग, खाज, खुजली और जो पिंपल्स हो जाता है आपका फेस में बहुत, जैसे कि मेरा देख रहे हैं वो ठीक हो रहा है पिंपल, तो वो ठीक हो जाए और आपको ज़्यादा साइड इफेक्ट का सामना भी ना करना पड़े दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर ले। तो सबसे पहला बात है यह क्रीम का दोस्तों कि यह मेडिकल क्रीम है, इसे कोई भी फ्रेंड रिकमेंड कर दे रहा है ऐसे ही, तो इसे ऐसे ही यूज नहीं करने लगना है, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं, दाग, खाज, खुजली कुछ इस प्रकार से हो जाता है स्किन में, उसे दूर करता है। लेकिन आजकल दोस्तों इसे गोरे होने के लिए, ग्लो पाने के लिए इसे यूज किया जा रहा है इस क्रीम को, तो ऐसा आपको नहीं करना है, ये बात आपको ध्यान देना है। और दोस्तों अगर आप इसे यूज़ कर रहे हैं डॉक्टर के सलाह बिना, तो इसे आपको सप्ताह में 3 बार ही यूज़ करना है और इसे 3 महीने में यूज़ करके छोड़ देना है अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो। और दोस्तों अगर आपका प्रॉब्लम जो भी है इसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप डॉक्टर से मिलना चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि इस क्रीम को आपको लंबे समय से यूज़ कर रहे हैं और आपका बेनिफिट बहुत कम हो रहा है और आपका स्किन जो है वह पतला होता जा रहा है दोस्तों। और दोस्तों अगर आप इस क्रीम को लगा के धूप में निकलते हो तो आपका स्किन काला कर देगा दोस्तों, आपका स्किन में कालापन आ जाएगा, झुर्रिया आ जाएगा। और दोस्तों यह क्रीम का स्मेल मेडिसिन जैसा आता है, जैसा कि आपने कभी मेडिसिन खाया होगा तो उसका स्मेल आपको पता ही होगा, उसी प्रकार का इसका स्मेल आता है। तो दोस्तों इसका सही तरीका क्या है यूज़ करने का, तो दोस्तों अगर आप इसे यूज़ कर रहे हैं तो एक बार डॉक्टर से सलाह ले लें, कोई भी नज़दीक के स्टोर में जाएँ, मेरा यह प्रॉब्लम है तो उससे आप सलाह ले लें। अगर आप सलाह नहीं ले पा रहे हैं तो आपको सप्ताह में 3 बार ही यूज़ करें 3 महीने तक, ज़्यादा इसे यूज नहीं करना है दोस्तों। ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपका चमड़ी पतला हो जाएगा और अगर आप धूप में निकलेगा तो आपका स्किन कालापन हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान देना है। दोस्तों अगर आप इस क्रीम को यूज़ कर रहे हैं तो आप रात में यूज करें। क्रीम को लगाने से पहले आपको अच्छे से फेस धो लेना है या पैर हाथ पूरा फ्रेश हो लेना, उसके बाद इस क्रीम को अच्छे से लगा लेना है और सुबह उठते ही दोस्तों आपको ठंडे पानी से नॉर्मल जो भी है उसे आप धो लें, साबुन को उसमें यूज नहीं करना है। दोस्तों इस क्रीम को जिस रात आपने यूज किया है उसके अगले दिन ज़्यादातर कोशिश करें कि आप धूप में ना ही निकले। दोस्तों अगर धूप में निकल जाते हैं तो ये रिएक्ट करके आपका स्किन को कालापन कर देगा, जो कि ये अच्छा नहीं है आपकी स्किन के लिए, तो फिर इस क्रीम को यूज़ करने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। रात को यूज़ करना है और सुबह अच्छे से धो लेना है और उस दिन ज़्यादा धूप में नहीं निकलना, ये आपको ध्यान देना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।